Beautiful seventh graders, I hope you all are safe and sound. I hope your families are safe. आप सारी COVID precautions ले रहे हैं and I also hope you are regularly studying for your exams. क्योंकि half yearly आने वाले हैं and हमें सारे exams ace करने हैं. But how will we ace all our exams? Then of course, An Academy is the solution, is the platform to ace all your school exams. तो अब आपको करना क्या है टू एस ऑल योर एग्जाम्स? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है. यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस. तो अगर आप क्लास वन में हैं या फिर आप क्लास ट्वेल्व में हैं, आपको साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है क्लास वन से लेके क्लास ट्वेल्व, आप ये सारे सब्जेक्ट अन अकेडमी पे पढ़ सकते हैं. नॉट ओनली दिस, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं लाइक जेई मेन्स या यूपीएससी या नीट या यूजीसी नेट, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो भी आप अन अकेडमी से के थ्रू कर सकते हैं बिकॉज अन अकेडमी ऑफर्स कोर्सेज ऑन ऑल ऑफ दिस. एंड नॉट ओनली दिस, अन अकेडमी के जो एजुकेटर्स हैं यानी कि जो आपको पढ़ाएंगे, वो बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं पूरे इंडिया के. दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. They are highly qualified in their respective fields. तो आपसे आपके हाथ से तो ये अपॉर्चुनिटी जानी ही नहीं चाहिए. आप अभी के अभी अन अकेडमी का जो ऐप है उसे डाउनलोड करिए, एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड PJAIN10, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको सीधा सीधा 10% 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे जो भी आप पढ़ना चाहते हैं. तो यहाँ पे तो आप टॉप एजुकेटर से भी पढ़ेंगे, उस पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. सो ये अपॉर्चुनिटी तो मिस होनी ही नहीं चाहिए. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत नॉर्मल है, क्या हम अन अकेडमी पे सब्सक्राइब क्यों करें? तो अन अकेडमी पे आपको सब्सक्राइब करने पे सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे. तो क्या होगा, आप प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, आप लाइव टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, आप लाइव क्लासेस में पार्ट ले सकते हैं, आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी कि आपने कैसे प्रोग्रेस किया है पूरे वीक में, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, आपने कहाँ इम्प्रूव किया है पूरे वीक में, ये सब रिपोर्ट अन अकेडमी आपको वीकली बेसिस पे देगी. आपको स्टडी मटेरियल अन अकेडमी देगी, आपका पूरा स्टडी का प्लान बना के भी अन अकेडमी आपको देगी. तो जैसा मैंने कहा, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस ही नहीं होनी चाहिए. जस्ट डाउनलोड द ऐप, एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड PJAIN10, जो आपकी स्क्रीन के नीचे भी दिया हुआ है एकदम नीचे की साइड पे. सो ये यूज करेंगे तो यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ. तो ये अपॉर्चुनिटी जैसा मैं बार बार कह रही हूँ मिस ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू लर्न द बेस्ट एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, बिकॉज अन अकेडमी के जो एजुकेटर्स होते हैं वो टॉप एजुकेटर्स होते हैं, वो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स एंड हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स. तो ये तो हुई अन अकेडमी के बेनिफिट्स के बारे में बातें एंड हाउ यू कैन एस योर स्कूल एग्जाम्स. अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ. सो माई नेम इज प्रतीक्षा जैन. I teach social science to grade 7. I'm one of the educators at An Academy. I did my graduation from Delhi University and I did my BA in psychology. अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, जो कि है हमारे सिलेबस का सेकेंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर 9, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड. जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड में किस तरह के जीवन होते हैं, कैसी वहाँ पे लाइफ होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसा क्लाइमेट होता है, वहाँ के लोग क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वो पूरे दिन क्या करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में. बट उससे पहले लेट मी टेल यू सब जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, वो उसका मीनिंग क्या होता है. तब जो मेरे पहले के व्यूअर्स हैं उनको तो सब पता है कि मैम अब क्या बताने वाली है, बट फॉर ऑल माई न्यू व्यूअर्स लेट मी टेल यू ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या है. सो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे, आप एग्जाम भी दे आओगे और आपके मार्क्स भी बहुत आ जाएंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट हमारी नॉलेज तब भी इनकम्प्लीट रहेगी. क्यों इनकम्प्लीट रहेगी? क्योंकि अगर हमें अपने सब्जेक्ट का मीनिंग ही नहीं पता कि ज्योग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हमें सिर्फ पता है ये एक सब्जेक्ट होता है बट इस वर्ड का भी एक मीनिंग होता है, और जब तक हमें वो मीनिंग ही नहीं पता तो हमारी नॉलेज कंप्लीट कैसे होगी यार.
तो इसलिए हम ज्योग्राफी का मीनिंग समझेंगे कि व्हाट डज ज्योग्राफी मीन। सो ज्योग्राफी जो एक वर्ड है इट डिराइव्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज, ये दो वर्ड से मिलके बनता है, दैट इज जियो प्लस ग्राफी। अब जियो वर्ड का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है अर्थ और ग्राफी वर्ड का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है राइटिंग। यानी अगर मैं लिटरल टर्म्स में बात करूं तो ये हो सकता है अर्थ की राइटिंग या अर्थ के बारे में कुछ राइटिंग, कुछ लिखा हुआ हो अर्थ के बारे में। बट व्हेन आई कंबाइन दीज टू टर्म्स, जब हम इन दो टर्म्स को कंबाइन करते हैं दैट इज जियो एंड ग्राफी एंड मेक इट ज्योग्राफी, तो उसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में पढ़ाई। तो ए टू जेड अर्थ के बारे में, अर्थ के कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से ओशंस हैं, अर्थ की क्या लेयर्स होती हैं, वेजिटेशन, वेदर, सब कुछ जो अर्थ से रिलेटेड है यानी हमारे जो प्लैनेट से रिलेटेड है वो सब कुछ अगर हम पढ़ते हैं तो दैट कम्स अंडर ज्योग्राफी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी ज्योग्राफी की बुक खोलो ना तो एकदम क्लिक होना चाहिए कि ज्योग्राफी का मतलब है कि मैं अर्थ के बारे में ही आज कुछ पढ़ने वाला हूँ, कि अर्थ क्या होता है, अर्थ के बारे में कुछ भी अर्थ से रिलेटेड ही होगा। और अब अगर हम अपने चैप्टर पे आए दैट इज लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रासलैंड्स होते क्या हैं। सो ग्रासलैंड्स आर बेसिकली रीजन जहाँ पे ग्रास होती है, बहुत दूर दूर तक जहां तक नजरें जाएं सिर्फ घास ही घास दिखती है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ ग्रास ही हो और कुछ नहीं हो, दूर दूर तक सिर्फ ग्रास हो, उन एरियाज को हम कहते हैं ग्रास लैंड, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो ग्रास लैंड। ऐसी लैंड जहाँ पे सिर्फ ग्रास ही हो उसको हम कहते हैं ग्रास लैंड। अब ग्रास लैंड में जो ग्रास होती है या कोई भी छोटे मोटे जो दूसरे प्लांट्स होते हैं ग्रास जैसे ही, ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, दैट इज क्लाइमेट एंड सॉइल, यानी कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है एंड वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है। बिकॉज हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्लांट टू ग्रो, क्योंकि सॉइल में होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, तो जितनी अच्छी सॉइल होगी उतने अच्छे प्लांट्स वहां ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो क्लाइमेट एंड सॉइल के बेसिस पे ग्रासलैंड्स में जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। क्लाइमेट के ही बेसिस पे दो टाइप के ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, कौन कौन से, तो एक टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड्स हो सकते हैं और एक ट्रॉपिकल रीजन ग्रासलैंड्स हो सकते हैं। अब आपको लगेगा मैम ये टेम्परेट रीजन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन क्या है, ग्रासलैंड ही हमें तो इतने मुश्किल से समझ आया कि जहाँ पे सिर्फ ग्रास है वो ग्रासलैंड है, बट इनके तो टाइप्स भी होते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं। बट बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, टेम्परेट रीजन क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, वो सब हम समझेंगे एंड वील स्टडी दिस थ्रू दिस पिक्चर विच इज ऑन द स्क्रीन। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड पे इक्वेटर, बीच में एक जो लाइन है दैट इज इक्वेटर, उसके ऊपर जो 30 डिग्री नॉर्थ की लाइन है वो हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 30 डिग्री नॉर्थ। और हम ऊपर बात करें तो 60 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है, 60 डिग्री नॉर्थ की लाइन से हमें बेसिकली पता चलता है कि दैट इज आर्कटिक सर्कल। और अगर मैं बात करूँ 60 डिग्री साउथ की तो हमें पता है 30 डिग्री साउथ की अगर मैं बात करूँ देन दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर मैं 60 डिग्री की बात करूँ देन दैट 60 डिग्री साउथ की बात करूँ तो वो एंटार्कटिक रीजन है, एंटार्कटिक सर्कल है, क्योंकि वो एंटार्कटिका के बहुत पास है ना। तो हमें ये पता है, हमें ये सारे जो जोन्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में, राइट। थोड़ा सा याद करो, अन अकेडमी में 6 स्टैंडर्ड के वीडियोस देख लो, सो आपको सारे जोन्स याद आ जाएंगे। अब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है और टेम्परेट जोन क्या होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, जितने भी एरियाज आते हैं, उस जोन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। यानी एक ट्रॉपिकल लेयर से लेके जो दूसरी साउथ में जो ट्रॉपिकल लेयर है उसके बीच में जितनी भी कंट्रीज आती हैं या जितने भी ग्रासलैंड्स आते हैं उनको कहते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन ग्रासलैंड। वहीं आर्कटिक सर्कल जो कि है 60 डिग्री नॉर्थ पे, वहां से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ में,
आप अगर पिक्चर में देखेंगे तो 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ की जो लाइंस है उसके बीच में लिखा है टेम्परेट जोन, यानी कि आर्टिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जितने भी कंट्रीज, जितने भी एरियाज या जो भी ग्रासलैंड्स इस एरिया के बीच में आते हैं उन्हें हम कहते हैं टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड। सिमिलरली अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो जितने भी एरियाज, जितने भी ग्रासलैंड्स 30 डिग्री साउथ दैट इज ट्रॉपिकल ऑफ केप्रिकॉन से लेके एंटार्क्टिक सर्कल दैट इज 30 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री साउथ तक के बीच में जो भी एरियाज आते हैं उन्हें हम कहते हैं टेम्परेट जोन। अब इस ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन के अंदर जो भी ग्रासलैंड्स आते हैं, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे सिर्फ ग्रास ही ग्रास दिखती है, तो ऑफ कोर्स देन दैट इज नोन एज टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल रीजन ग्रासलैंड्स। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड्स क्या होते हैं और ट्रॉपिकल रीजन ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे दो ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे, एक जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है दैट इज नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है वो ग्रासलैंड है प्रेरीज, एंड जो साउथ अफ्रीका में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो आता है वो है द वेल्ड्स। ये दोनों ग्रासलैंड्स टेम्परेट ग्रासलैंड्स ही हैं। हम इस चैप्टर में कोई भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं पढ़ेंगे, हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स ही पढ़ेंगे। द ओनली डिफरेंस इज इनमें से एक जो ग्रासलैंड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है यानी आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है, और ये जो दूसरा ग्रासलैंड है दैट इज द वेल्ड्स जो कि साउथ अफ्रीका में है ये कहाँ आता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, अर्थ का जो साउथ का जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे आता है, एंड इट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल, यानी 30 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया है वहाँ पे ये ग्रासलैंड आते हैं। तो अब हम इनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, यहाँ पे कैसे क्लाइमेट्स हैं दो ग्रासलैंड्स में, कैसी फ्लोरा एंड फौना है, यहाँ के जो लोग हैं वो किस टाइप के ऑक्यूपेशन करते हैं, कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती है, हम सब अब पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद प्रेरीज जो कि है नॉर्थ अमेरिका में, सो प्रेरीज आर द ग्रासलैंड्स टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो नॉर्थ अमेरिका में है, सो द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज। ये आप इमेज भी देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको सिर्फ घास ही घास दिख रही है, तो इसे कहते हैं ग्रासलैंड। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड जो नॉर्थ अमेरिका के होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेरीज। अब हम थोड़े से इसके फीचर्स जानेंगे। तो ये जो लैंड है, जो प्रेरीज की ग्रासलैंड होती है, ये एकदम फ्लैट होती है, थोड़े जेंटल स्लोप्स या हिल्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बहुत जेंटल जेंटल स्लोप्स दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हिल्स दिख रहे हैं, और अगर हम आगे देखें तो बहुत फ्लैट सरफेस है जहाँ पे सिर्फ ग्रास ही ग्रास है। तो ये फ्लैट सरफेस होते हैं और थोड़ी से छोटे छोटे हाइट के यहाँ पे हिल्स हो सकते हैं। इसके अलावा दीज रीजन्स आर ट्रीलेस, 90% यहाँ पे कोई ट्री नहीं होगा, बट जो लो लाइंग एरियाज है यानी कि जो नीचे के लेवल पे जो एरियाज है वहां पे थोड़े से आपको ट्रीज मिल सकते हैं, बट वो भी बहुत कम होते हैं, मेनली यहाँ पे ग्रास ही होती है। अब ग्रास की बात करें तो ग्रास भी इतनी बड़ी होती है कि देयर एवरेज हाइट कैन बी अप टू 2 मीटर्स, यानी हो सकता है कुछ ग्रास आपकी हाइट से भी लंबी हो, 2 मीटर तक की हाइट वाली ग्रास भी यहाँ होती है। क्योंकि अगर आप ये इमेज फिर से देखेंगे तो दूर दूर तक सिर्फ घास ही घास दिख रही है, इसलिए प्रेरीज को सी ऑफ ग्रास भी कहते हैं, यानी घास का समुद्र भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, सी में क्या होता है, जहां तक हम अपनी नजर घुमाएं वहां पे हमें सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखता है, वैसे ही सी ऑफ ग्रास यानी घास का समुद्र ये नाम क्यों मिला है, क्योंकि प्रेरीज में ना दूर दूर तक आपको सिर्फ ग्रीन ब्लैंकेट ही दिखता है, यानी कि सिर्फ ग्रीन ग्रीन ग्रास ही दूर तक दिखती है, इसलिए इसको कहते हैं सी ऑफ ग्रास। तो ये थे प्रेरीज के फीचर्स की कैसा वहाँ की लैंड होती है, कैसा सरफेस होता है। अगर हम थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये जो प्रेरीज हैं इसके जो वेस्टर्न साइड पे है यहाँ पे होते हैं रॉकी माउंटेन्स, ये है वेस्टर्न साइड पे, और अगर
ये जो प्रेरीज है, ये जो एकदम क्रीम कलर में आपको जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा पार्ट इसका कनाडा में भी है और थोड़ा सा पार्ट इसका यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये इतना बड़ा है कि दो कंट्रीज में कवर होता है, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप मैप देखेंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है और जो छोटा सा थोड़ा सा पार्ट है वो कनाडा के अंदर भी है। तो वेस्ट पे हमने देखा रॉकी माउंटेन्स है एंड जो ईस्टर्न साइड्स है वहाँ पे ग्रेट लेक्स है, जैसे ग्रेट लेक विनिपेग और ये जितने भी यहाँ पे लेक हैं इन सबको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। तो ये कहाँ पे है, ये प्रेरीज के ईस्टर्न साइड पे है। वहीं अब अगर मैं नदियों की बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ी नदी है, दैट इज मिसिसिपी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी, यानी कि मिसिसिपी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट, उसके रिवर के भी छोटे छोटे जो रिवर्स होते हैं, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी ड्रेन इन द प्रेरीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रेरीज रीजन है वहाँ पे मिसिसिपी की जो ट्रिब्यूटरीज है वो जाके गिरती हैं। वही अगर मैं कैनेडा की बात करूँ तो कैनेडा का सास्काचेवन जो रिवर है, जो कि इस जगह पे है, सास्काचेवन रिवर्स है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सास्काचेवन रिवर ड्रेन इन द प्रेरीज विच इज इन कैनेडा। तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, इनफैक्ट तीन चीजें याद करनी है, छोटी छोटी सी कर लो। वेस्टर्न साइड पे रॉकी माउंटेन्स है एंड ईस्टर्न साइड में प्रेरीज के हैं ग्रेट लेक्स। तो ये बेसिकली पैक्ड है, यहाँ पे माउंटेन्स और यहाँ पे जो नदियां हैं इन दोनों के बीच में, इट इज एनक्लोज बिटवीन द माउंटेन्स एंड द लेक्स। बीच में जो एरिया जो ट्रैप्ड है इन दो जगहों के, उसको हम कहते हैं प्रेरीज। ये दो कंट्रीज में स्प्रेड होता है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा। यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिवर आके यहाँ पे गिरती है, दैट इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी रिवर। और कैनेडा की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ सास्काचेवन रिवर ड्रेन इन द कैनेडियन रीजन ऑफ प्रेरीज। तो आई गेस आपको जोग्राफिकल लोकेशन भी थोड़ा सही से समझ आ गया होगा। ये यूजुअली मैप्स में आता है एंड मैप ऑलमोस्ट 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो हमें बिल्कुल भी मार्क्स जो है लूज आउट नहीं करने हैं मैप पे, एकदम अच्छे से समझना है। ईस्ट साइड पे जो है रॉकी माउंटेन्स, वेस्ट साइड पे जो है रॉकी माउंटेन्स है, ईस्ट साइड पे ग्रेट लेक्स है, ये दो कंट्रीज में स्प्रेड है, कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दो रिवर के नाम और याद करने आपको, मिसिसिपी रिवर जो कि यूएस में है और सास्काचेवन रिवर जो कि कनाडा में है। अब प्रेरीज में ना बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रेरीज अमेरिका में भी, यानी थोड़ा सा पार्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और थोड़ा सा पार्ट है जो कनाडा में है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रेरीज में जो इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं वो है शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनास, डेनवर, ये इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं। और अगर मैं कैनेडियन प्रेरीज की बात करूँ तो वहाँ पे जो थोड़ी इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं वो है एडमॉन्टन, सस्काटून, कैलगारी, विनिपेग, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं जो प्रेरीज के अक्रॉस हैं, जो प्रेरीज के यहाँ पे हैं अमेरिका में और कैनेडा में। बात करेंगे प्रेरीज के क्लाइमेट के बारे में, यानी कि यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, यानी कि जो गर्मी है वो भी बहुत ज्यादा होगी और जो सर्दी है वो भी बहुत कम होगी, एकदम एक्सट्रीम हाई एंड एक्सट्रीम कोल्ड, एक कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इसे हम कहते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। अब गर्मियों में यहाँ की टेम्परेचर इज समवॉट अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर्स का जो टेम्परेचर है, विंटर्स में यहाँ पे बहुत थिक लेयर ऑफ स्नो जम जाती है, यानी स्नो की बर्फ की बहुत मोटी मोटी लेयर जम जाती है, इतनी यहाँ पे ठंड पड़ती है। इनफैक्ट कनाडा में जो एक जगह है विनिपेग, वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है विंटर्स में -20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सो जैसा कि यहाँ पे कहा, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, गर्मियाँ बहुत वार्म होती है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और सर्दियाँ इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड पड़ती है कि -20 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें रेनफॉल की, तो यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एंड इस टाइप की जो रेनफॉल है मॉडरेट, ये बहुत आइडियल होती है ग्रास के ग्रोथ के लिए, यानी इट इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। जो घास है उनको ऐसी ही थोड़ी सी रेनफॉल कंडीशन चाहिए होती है, मॉडरेट रेनफॉल। अब यहाँ पे एक लोकल विंड भी ब्लो करती है,
आपने अगर एयर प्रेशर वाला जो एयर का जो चैप्टर था हमारा, जहाँ पे मैंने 3 टाइप्स ऑफ विंड बताई थी, कौन कौन सी, परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है परमानेंट विंड क्या होती है, सीजनल विंड क्या होती है और लोकल विंड्स क्या होती है। तो लोकल विंड्स ये होती है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में जो जिस टाइप की विंड्स फ्लो करती है उन्हें कहते हैं लोकल विंड, और यहाँ पे प्रेरीज में एक लोकल विंड फ्लो करती है जिसे ये लोग कहते हैं चिनूक। तो चिनूक इज द लोकल विंड ऑफ प्रेरीज। ठीक है, तो हमने अब प्रेरीज के क्लाइमेट की भी बात कर ली। अब हम आते हैं प्रेरीज के फ्लोरा एंड फौना पे, यानी यहाँ पे किस टाइप के पेड़ पौधे होते हैं और किस टाइप के यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे फ्लोरा की। फ्लोरा यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, ऑलमोस्ट जो प्रेरीज हैं दे आर ट्रीलेस, यहाँ पे बहुत कम ट्रीज होते हैं, कोई मुश्किल से थोड़े से ट्रीज देखने को मिलते होंगे, बट मोस्टली यहाँ पे ट्रीलेस रीजन होता है। बट जहाँ पे थोड़ा सा भी वाटर अवेलेबल होता है, बिकॉज ट्रीज को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, या इवन कोई क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी। तो वैसे तो ये पूरा एरिया ट्रीलेस है, बट थोड़ा सा पानी अगर कहीं पे अवेलेबल हो जाता है, देन ट्रीज सच एज विलोज, एल्डर्स और पॉपलर्स, सच काइंड ऑफ ट्रीज ग्रो है, कहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा पानी अवेलेबल है, बट मेनली दीज एरियाज आर ट्रीलेस। अब अगेन हम बारिश की बात करें तो ऑन एन एवरेज 50 सेंटीमीटर रेनफॉल प्रेरीज में हो जाती है, विच मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल, दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एंड फार्मिंग के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए जो जिस टाइप की जो लैंड चाहिए होती है वो ऐसी ही लैंड चाहिए होती है विच इज फर्टाइल। फर्टाइल लैंड, फर्टाइल सॉइल इज आइडियल फॉर फार्मिंग। तो फार्मिंग भी यहाँ पे हो जाएगी बिकॉज 50 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है, विच इज मेकिंग इट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो मेजर क्रॉप जिस कारण से उगती है, द मेजर क्रॉप इज मेज, यानी कि भुट्टा, कॉर्न जो हम इंडिया में कहते हैं, मेज इज द मेजर क्रॉप। इसके अलावा जो अदर क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है, दैट इज पोटेटोज, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा अल्फा, ये कुछ अदर क्रॉप होती है जो भी यहाँ पे उगती है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, यहाँ पे जो ग्रास होती है वो बहुत शॉर्ट होती है और बहुत कम होती है, एंड दैट इज सूटेबल फॉर कैटल रेयरिंग। शॉर्ट एंड स्पार्स ग्रासेस आर सूटेबल फॉर कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग भी हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, दैट व्हेन द पीपल लुक आफ्टर देयर एनिमल्स एंड द टेक केयर ऑफ देम, तो उसको हम कहते हैं कैटल रेयरिंग। और कैटल में यूजुअली गोट, शीप, इन्हीं टाइप के एनिमल्स को जब लोग उनकी देखभाल करते हैं, उनके टेक केयर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग में और भी एनिमल्स आ सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। तो हमने फ्लोरा भी देख लिया, अब हम देखते हैं प्रेरीज का फौना, यानी कि यहाँ पे किस टाइप के या कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। सो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एनिमल है, यानी कि जो बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन एनिमल है, दैट इज बाइसन, या फिर जिसको हम कहते हैं अमेरिकन बफलो, यानी कि अमेरिका में एक स्पेशल टाइप की, स्पेशल स्पीशी होती है बफलोज की, जिसे कहते हैं बाइसन। बट ये बहुत ही प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, यानी कि यहाँ के लोग इसको बहुत प्रोटेक्ट करने लग गए हैं, ताकि ये इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग से मरे ना, बिकॉज मेनी पीपल इन अमेरिका स्टार्टेड हंटिंग दीज अमेरिकन बफलोज, वो उनको हंट करके मारने लग गए थे, सो नाउ इट हैज बिकम अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। बाइसन और अमेरिकन बफलो के अलावा यहाँ पे थोड़े और एनिमल्स भी होते हैं, दैट इज रैबिट यहाँ पे होते हैं, प्रेरी डॉग होते हैं, यानी डॉग की एक स्पेशल ब्रीड होती है जिसे कहते हैं प्रेरी डॉग, कोयोटीज, कोयोट्स भी यहाँ होते हैं, गॉफर्स होते हैं, सो ये थोड़े अदर एनिमल्स हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो लार्ज कैटल फार्म्स, यानी कि जो बहुत बड़े कैटल फार्म्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे कहते हैं रैंचेस, एंड दीज रैंचेस आर टेकन केयर बाय वेरी स्टर्डी मैन, बहुत स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, जिन्हें यहाँ पे कहते हैं काउबॉयज, यानी कि जो लार्ज कैटल फार्म्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी काउस होती हैं, बफलोज होती हैं, गोट्स एंड शीप भी हो सकते हैं, इन बड़े बड़े कैटल के जो फार्म्स होते हैं जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं, उसे कहते हैं रैंचेस, एंड दीज रैंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वेरी स्टर्डी मैन, जिन्हें हम कहते हैं काउबॉयज। फ्लोरा एंड
फौना भी देख लिया, प्रेरिस का हमने क्लाइमेट भी देख लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोग क्या करते हैं। सो यहाँ के लोग ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे मेहनत करते करते इन लोगों ने क्या किया, जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, दे टुक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड दे यूटिलाइज द रिच नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि इस एरिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, पानी या जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स थे, दीज पीपल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यूटिलाइज देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यानी कि इस एरिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी के हेल्प से उनको पूरा यूटिलाइज किया और बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं कल्टिवेशन के, प्लस विद द हेल्प ऑफ एडवांस एंड मॉडर्न कल्टिवेशन टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स के यूज से, हार्वेस्टर्स के यूज से, और यहाँ पे एक अलग मशीन होती है जिसको कहते हैं कंबाइंस। कंबाइंस इज बेसिकली अ मशीन जो बहुत सारे एग्रीकल्चरल टास्क परफॉर्म कर सके, जैसे प्लॉइंग, जैसे ट्रेशिंग। से एक मशीन होती है जो मल्टीटास्किंग होती है, ये सारे प्रोसेस कर लेती है। एंड बिकॉज यहाँ के लोगों ने एकदम साइंटिफिक मेथड से एंड यूजिंग ऑल ऑफ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करने लगे, जिसके कारण ये जो एरिया है प्रेरीज, दैट बिकेम अ सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। यानी कि यहाँ पे इतना ज्यादा एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस होता है कि इट हैज बिकम अ सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। यहाँ पे इतना ज्यादा एक्स्ट्रा क्रॉप्स, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा अनाज पैदा होने लग गई, बिकॉज इन लोगों ने इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की एंड एडवांस्ड व्हीकल्स यूज किए, कल्टीवेशन मेथड्स एकदम साइंटिफिक थे यहाँ के। तो दैट हेल्प नॉर्थ अमेरिका इन बिकमिंग द सरप्लस फूड प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कारण से नॉर्थ अमेरिका को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ग्रेनरीज का क्या मतलब होता है? ग्रेनरीज का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। जितने अब हमारे पास एक्स्ट्रा फूड आ गया है, हमारे पास बहुत सारा खाना बन गया है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम फ्रिज में रख देते हैं, हम उसे स्टोर करते हैं। तो वैसे ही यहाँ के लोग क्या करते हैं, जब इनके पास बहुत एक्स्ट्रा क्रॉप्स आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा इनकी जो खेती है वो इतनी एक्स्ट्रा, इतनी ज़्यादा होती है कि वो कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करेंगे, वरना खराब हो जाएगी, है ना। तो जहाँ पे ये इतने क्रॉप्स को स्टोर करते हैं, स्पेशली वीट को, गेहूं को, जहाँ पे ये लोग सरप्लस तरीके में एक्स्ट्रा जो गेहूं होती है जहाँ पे स्टोर करते हैं, उनको कहते हैं ग्रेनरीज। अब यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है गेहूं का कि बहुत सारी ग्रेनरीज लगती है उनको स्टोर करने के लिए, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी ग्रेनरीज है, यानी कि स्टोर हाउस है। इस कारण से प्रेरीज को ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। सो आई होप क्लाइमेट, प्रेरीज का फ्लोरा फौना, और अभी तक हमने जितना प्रेरीज के पीपल के बारे में पढ़ा वो भी आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के जो लोग हैं प्रेरीज में, उनकी एक मेजर इंडस्ट्री होती है डेयरी फार्मिंग की। डेयरी फार्मिंग मतलब क्या? डेयरी फार्मिंग मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके, मिल्क को कलेक्ट करके उनके मिल्क प्रोडक्ट्स बना के आगे सेल आउट करना, या पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हम कहते हैं डेयरी फार्मिंग। तो ये यहाँ पे बहुत एक मेजर इंडस्ट्री है, मेजर ऑक्यूपेशन है यहाँ का डेयरी फार्मिंग। और ये जो डेयरी बेल्ट है, यानी कि जहाँ तक डेयरी फार्मिंग होती है, मिल्क कलेक्ट होता है, मिल्क के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो इतनी बड़ी एक बेल्ट है कि वो जो हमने पढ़ा था ग्रेट लेक्स, वहां से लेके जो अटलांटिक ओशन है ईस्ट में, वहां तक पूरे एरिया में डेयरी फार्मिंग होती है। इतनी बड़ी एक बेल्ट है, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा रीजन है जहाँ पे यहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है। अब डेयरी फार्मिंग में भी ये लोग बहुत एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो थी, बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर सरप्लस जो प्रोड्यूस हो रहा था, व्हेन डेयरी फार्मिंग एंड अलोंग विद एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल मेथड्स, प्रेरीज हैज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि जो रॉ फूड होता है, जो क्रॉप्स होती है, जहाँ पे प्रोसेस होती है, यहाँ पे इस एरिया के आसपास ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश हो गई हैं जहाँ पे जो फूड है वो प्रोसेस होता है।
कैन में आता है, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना उनकी जो इंडस्ट्रीज है इस पूरे एरिया में आसपास इस्टेब्लिश हो गई है, किसके कारण? डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण। आई होप ये क्लियर होगा। अब ये प्रेरीज में ना मिनरल डिपॉजिट भी बहुत सारे हैं। ये जो लैंड है, ये जो ग्रास लैंड है, इट्स जस्ट रिच इन मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स? तो कोल एंड आयरन आर द मेजर मिनरल्स जो यहाँ पे मिलते हैं। प्लस ये जो जगह है इट इज वेल कनेक्टेड विद रोड्स, इट इज वेल कनेक्टेड विद ट्रेन यानी कि रेलवेज, एंड इट इज वेल कनेक्टेड विद कैनाल्स। सो यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट भी है। अब ये मिनरल डिपॉजिट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो हमारे पास रोड भी है, रेलवेज भी है। तो इस कारण से ये जो एरिया है ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड है। देखो क्या है, पहले तो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण बहुत सारी जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई पूरे प्रेरीज के चारों तरफ। अब लोगों को पता चला यहाँ पे तो मिनरल डिपॉजिट भी है, भाई यहाँ पे तो आयरन भी मिल रहा है, कोल भी मिल रहा है। फिर एक प्लस पॉइंट यहाँ पे और मिल गया कि ये जो जगह है जहाँ पे आयरन एंड कोल मिल रहा है वहां से देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, यानी यहाँ सड़कें भी है, रेलवेज भी है, यानी कि जो कोल और आयरन है इसको हम हर जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इन सब कारण से ये जो प्रेरीज का रीजन है दैट इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज रीजन इन द वर्ल्ड। तो हमने एक टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, जो कि नॉर्थ अमेरिका में था, वो पूरा पढ़ लिया। वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है, वहां पे कैसी फ्लोरा एंड फौना है, वहां की कैसे लोग पीपल जो है वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, क्या मेजर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्या वहां की मेजर इंडस्ट्री है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ने के लिए। वो क्या थे? द वेल्ड्स। जैसा कि मैंने बताया था प्रेरीज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और जो वेल्ड्स है ये सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और मैंने ये भी बताया था जो प्रेरीज है दैट लाइज इनटू 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो टेम्परेट रीजन है, यानी कि आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो रीजन है वहां पे आते थे प्रेरीज। बट अब जो एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो टेम्परेट रीजन है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट रीजन है, उन टेम्परेट ग्रासलैंड्स को जो साउथ ऑफ अफ्रीका में है उन्हें हम कहते हैं वेल्ड्स। इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ठीक है, हमने लोकेशन तो जान ली। नाउ दीज वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेटोस। रोलिंग प्लेटोस का क्या मतलब होता है? प्लेटोस तो आपको पता ही होगा, ये लैंड है, लैंड से जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऐसे लो लाइंग हिल्स के जैसे जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं प्लेटोस। अब यहाँ पे जो प्लेटोस है ये अलग अलग हाइट के होते हैं, यानी एक प्लेटो हो सकता है 600 मीटर का हो, एक प्लेटो हो सकता है 1100 मीटर का हो, कोई 700 मीटर का हो, यानी कि यहाँ के जो प्लेटोस है इनकी अलग अलग हाइट्स है। ये एक प्लेटो हो गया, फिर ये दूसरा प्लेटो की अलग हाइट है, फिर ये तीसरा प्लेटो की अलग अलग हाइट है, यानी कि जो प्लेटोज है ना इनकी हाइट जो है बहुत अलग अलग होती है। एंड प्लेटो जैसे इससे समझ आ रहा होगा जो लैंड सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे जो हिल है, जो फ्लैट सरफेस जैसा हिल है उसको हम कहते हैं प्लेटोस। तो ये रोलिंग प्लेटोस हैं वेल्ड्स। रोलिंग प्लेटोस का मतलब होता है ऐसे प्लेटोस जिनकी जो हाइट है वो डिफर करती हो। तो यहाँ की जो एवरेज हाइट है रोलिंग प्लेटोस की दैट इज बिटवीन 600 मीटर टू 1100 मीटर, यानी कि जो यहाँ पे प्लेटोस हैं वो 600 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की हाइट के हो सकते हैं। अब जो वेल्ड्स का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे बहुत एक्सट्रीम हाई हाइट की वेल्ड्स होते हैं, इनकी हाइट हो सकती है 1600 मीटर, यानी कि इतने ऊंचे यहाँ के प्लेटोस होते हैं और इस कारण से हम इन्हें कहते हैं हाई वेल्ड्स। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन और वेस्टर्न साइड पे है कलाहारी डेजर्ट। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दैट द वेल्ड्स आर एनक्लोज बिटवीन कलाहारी डेजर्ट ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्टर्न साइड, यानी इन दो चीजों के बीच में जो ग्रासलैंड है उसको हम कहते हैं वेल्ड्स। और यहाँ पे दो मेन रिवर्स हैं जिसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे ड्रेन करती है, यानी कि यहाँ पे गिरती है, एंड वो दो रिवर है
ऑरेंज रिवर एंड लिम्पोपो रिवर। ठीक है, तो अब हम एक मैप के थ्रू भी देखेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज ऑन द ईस्टर्न साइड, यहाँ पे है ड्रेकेनबर्ग, और यहाँ पे जो पास में जो है, यहाँ पे कलाहारी डेजर्ट विच इज ऑन द वेस्टर्न साइड, ये है लिम्पोपो रिवर एंड दैट इज ऑरेंज रिवर। अब यहाँ पे आपको तीन सिटीज के भी नाम दिख रहे होंगे, प्रिटोरा, जोहान्सबर्ग एंड किम्बर्ले। जोहान्सबर्ग एंड किम्बर्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, क्योंकि थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, मैम क्यों बोल रहे हैं इन्हें याद रखने के लिए। बट पहले हम पढ़ेंगे कि वेल्स का क्लाइमेट कैसा होता है। तो इट हैज अ वेरी माइल्ड क्लाइमेट, मतलब एकदम मॉडरेट सा क्लाइमेट होता है, थोड़ी सी यहाँ पे ठंड जो है वो ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो एक माइल्ड क्लाइमेट होता है। बिकॉज जो इंडियन ओशन है साउथ अफ्रीका के पास, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द वेल्स। अब यहाँ पे जो विंटर्स होती हैं वो बहुत कोल्ड एंड ड्राई होती है। कोल्ड एंड ड्राई का मतलब है बहुत ठंड पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है, इसलिए कोल्ड एंड ड्राई है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, दैट विंटर्स में जो टेम्परेचर है दैट इज बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में विंटर का यहाँ टेम्परेचर होता है। अब यहाँ का कोल्डेस्ट मंथ होता है जुलाई, और समर्स जो होती है बहुत शॉर्ट एंड वार्म होती है, यानी कि बहुत कम होती है, समर्स का जो पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है, बहुत गर्मी पड़ती है। जोहान्सबर्ग में जो टेम्परेचर होता है दैट इज समवेयर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ती है जुलाई में कि मैम स्कूल से घर आने में हमारे तो इतने पसीने छूट जाते थे, है ना। बट यहाँ पे तो लिखा है जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ, और हमारे यहाँ पे तो जुलाई में इतनी गर्मी पड़ती है, तो ये कैसे, जुलाई में ठंड कैसे पड़ सकती है। तो लेट मी टेल यू, जो इंडिया है वो नदर हेमिस्फेयर में आता है, राइट। तो हमारी गर्मियाँ होती है समवेयर अराउंड मई से लेके जुलाई तक, राइट, और हमारी जो विंटर्स होती हैं दैट इज फ्रॉम नवंबर टू समवेयर मिड फेब्रवरी तक हमारे यहाँ पे विंटर्स होती है इंडिया में, है ना। बट ये जो साउथ अफ्रीका के वेल्स हैं दे आर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो क्लाइमेट होते हैं उसके ऑपोजिट होते हैं सदर्न हेमिस्फेयर के क्लाइमेट, वहाँ की सीजन। तो अगर हमारे यहाँ जुलाई में गर्मी पड़ रही है तो सदर्न हेमिस्फेयर में जितनी भी कंट्रीज होगी वहाँ पे जुलाई में ठंड होगी, ऑस्ट्रेलिया में तब ठंड होगी, साउथ अफ्रीका में तब ठंड होगी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि वाई जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है जहाँ पे वेल सिचुएटेड है दे लाई इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आते हैं। तो जब हमारे यहाँ गर्मी होगी इन लोगों के यहाँ पे तब विंटर्स होगी, एंड इसी कारण से यहाँ पे जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ। समर्स कब आती है, समर्स भी समवेयर अराउंड यहाँ पे एकदम ऑपोजिट, जैसे मैंने कहा तो हमारी विंटर्स आती है नवंबर से फरवरी तक, तो यहाँ पे जो समर्स आती है दैट इज बिटवीन अक्टूबर से दिसंबर तक की समर्स होती है यहाँ पे। अब हमने क्लाइमेट तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ की रेनफॉल। ठीक है, तो कैसी टाइप की यहाँ पे बारिश होती है, तो बारिश होती है समर के महीनों में दैट इज बिटवीन नवंबर टू फरवरी। नवंबर टू फरवरी के बीच में यहाँ पे समर्स होती है, और इस समर्स के ये जो चार महीने हैं नवंबर टू फरवरी तब यहाँ पे बारिश होती है। तो क्यों होती है, बिकॉज जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो इस टाइम पे ही यहाँ तक पहुँचते हैं सर्कुलेट होते होते, एंड दे वॉश द शोर्स ऑफ द वेल्स। तो नवंबर टू फरवरी पे यहाँ पे समर होती है एंड रेनफॉल हैपेंस इन दिस टाइम्स बिकॉज द वार्म करंट्स रीच साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग दीज मंथ्स। ओके, अगर आपको वार्म करेंट्स क्या है एंड कोल्ड करेंट्स क्या है तो ये भी मैंने पहले के वीडियो में ये सब एक्सप्लेन किया है। बाय चांस आपको आपने वो वीडियो नहीं देख पाए थे एंड यू डोंट नो व्हाट आर वार्म ओशनिक करेंट्स है व्हाट आर कोल्ड ओशनिक करेंट्स, देन प्लीज हेड ऑन टू दैट वीडियो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अंडर द चैप्टर वाटर। तो ये सब आपको वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। और अब हमने अभी देखा कि समर्स में रेनफॉल होती है नवंबर टू फरवरी, बट यहाँ पे विंटर्स में भी रेनफॉल हो सकती है। एंड अगर विंटर के महीने में दैट इज जून टू अगस्त, यानी कि जिस टाइम पे हमारे यहाँ तो गर्मी होती है उस टाइम पे यहाँ सर्दी पड़ती है, थोड़ा उल्टा मामला है यहाँ पे,
जून टू अगस्त में जो कि यहाँ के विंटर मंथ्स होते हैं, अगर यहाँ बारिश कम होती है तो यहाँ ड्रॉट हो सकते हैं। ड्रॉट का मतलब होता है अकाल पड़ सकता है, पानी की कमी हो सकती है। तो इफ रेनफॉल डज नॉट हैपन इन द विंटर मंथ्स दैट इज जून टू अगस्त, देन ड्रॉट में अकर, यानी कि यहाँ पे पानी की कमी हो सकती है, यहाँ पे अकाल पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे वेल्स के फ्लोरा एंड फौना की, यानी कि यहाँ पे किस टाइप के पेड़ पौधे होते हैं एंड किस टाइप के एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ की जो वेजिटेशन कवर होती है ना, वो बहुत स्पार्स है। अब हमें ये भी पता है फ्लोरा क्या, यहाँ की फ्लोरा किस टाइप की होती है, तो हमने पढ़ा था ग्रासलैंड्स में मेनली ग्रास ही उगती है, सो ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो वही केस वेल्स का भी है, बिकॉज वेल्स इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, तो यहाँ पे मेनली जो है ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप। अब जो बुश वेल्स है, यानी कि जहाँ झाड़ियाँ हैं, वेल्स का वो एरिया जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे उगती है रेड ग्रास, यानी कि लाल रंग की घास। आप इमेजिन भी कर सकते हो, रेड ग्रास लाइक रेड कलर की ग्रास, ऐसे रेड कलर की ग्रास यहाँ पे उगती है। और जो हाई वेल्स हैं, जैसे कि हमने बात की थी, वो वेल्स जिनकी हाइट इज अराउंड 1600 मीटर, और जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होते हैं पूरे वेल्ड रीजन के, वहाँ पे दो टाइप के फ्लोरा होती है, एकेशिया एंड मरूला। एकेशिया एंड मरूला आप याद रख सकते हैं, हाई वेल्स में होते हैं, और जो बुश वेल्स होती है वहां पे लाल रंग की ग्रास होती है, जिसे हम कहते हैं रेड ग्रास। ये तो हुई फ्लोरा की बात, अब हम आते हैं फौना पे, यानी कि यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पे लायंस होते हैं, यहाँ पे लेपर्ड्स होते हैं, यहाँ पे चीता होता है, प्लस यहाँ पे एक लोकल एनिमल जो इसी एरिया में पाया जाता है लार्जली, दैट इज कुडू, तो कुडू भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मेनली चार एनिमल्स हैं, लायन, चीता, लेपर्ड एंड कुडू। फ्लोरा एंड फौना भी आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या होते हैं वेल्स की फ्लोरा, क्या होती है फौना। अब हम बात करेंगे वेल्स की लोगों के बारे में, कि यहाँ की जो मेजर एक्टिविटी है वो क्या होती है, लोग यहाँ पे किस टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं। तो यहाँ की मेजर एक्टिविटी जस्ट लाइक प्रेरीज, यहाँ पे भी कैटल रेयरिंग बहुत बहुत ज्यादा होती है। हमने पढ़ा था प्रेरीज की भी जो मेजर एक्टिविटी है वो कैटल रेयरिंग है, वैसे ही यहाँ की भी जो मेजर एक्टिविटी है वो है कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। फिर यहाँ की जो सॉइल है दैट इज लार्जली इनफर्टाइल, यानी कि यहाँ की सॉइल बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पे बंजर जमीन, जहाँ पे ज्यादा प्लांट्स नहीं उग सकते, उस टाइप की जमीन है। इनफैक्ट यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ ग्रास है, यानी यहाँ पे ग्रास है थोड़े एरिया में, फिर पूरी लैंड आसपास की खाली, फिर थोड़ी एरिया में आगे जाके ग्रास, फिर थोड़े एरिया में ग्रास, यानी कि कंटिन्यूटी में ग्रास नहीं है, थोड़े थोड़े एरियाज में थोड़ा स्कैटर्ड है, थोड़ा स्प्रेड होके ग्रासेस है, मतलब डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस है। और यहाँ पे जो है काफी अनप्रोडक्टिव सरफेस है, यानी कि बैरन लैंड जिसको कहते हैं, यहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं उग सकते, बिकॉज यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत इनफर्टाइल है, इट इज नॉट अ वेरी आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बट इस पूरे वेल्स में थोड़ी जगहों पे फर्टाइल लैंड भी है, जहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह अवेलेबल है, जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होती है, वहां की जो लैंड है वो थोड़ी फर्टाइल है, दैट इज इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन क्रॉप्स एंड प्लांट्स। तो ये कौन सी क्रॉप्स होती है जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, तो जो फर्टाइल लैंड वेल्स में जहाँ पे भी है वहाँ पे मेज उगता है, वहाँ पे वीट उगता है, बार्ले उगता है, ओट्स उगते हैं एंड पोटेटोस उगते हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी तीन नाम भी याद कर सकते हैं, इट वुड हेल्प यू एस योर एग्जाम्स, क्योंकि अगर आया कि वेल्स की क्या मेन क्रॉप्स हैं, तो अगर आप 3 से 4 नाम भी लिख के आओगे देन दैट इज सफिशियंट, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मेज है। एक चीज आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हमने पढ़ा था प्रेरीज की भी जो मेन क्रॉप है दैट इज मेज, यानी कि भुट्टा, कॉर्न जिसे कहते हैं, तो मेज है, बट एग्जाम में कॉर्न या भुट्टा लिख के मत आ जाना, वरना कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, प्रॉपर टर्म जो मेज है वही लिख के आना पड़ेगा। सो प्रेरीज में भी मेज है, यहाँ पे भी मेज है, दो क्रॉप्स आप बस और याद कर लो, वीट एंड बार्ले या वीट एंड पोटेटो। पोटैटो आपको बहुत पसंद होगा आई होप, बिकॉज बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो मम्मी बनाती है जिसमें आलू कूट कूट के डलता है, तो आप पोटेटोज याद रख लो, वीट याद रख लो यानी कि गेहूं, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि वेल्स में मेन क्रॉप्स क्या होती है। अब कैश क्रॉप
क्रॉप्स भी यहाँ पे उगती हैं। अब कैश क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी क्रॉप जो हम मार्केट में सेल करते हैं, यानी उनकी कमर्शियल वैल्यू होती है। जब बहुत बड़ा मार्केट होता है क्रॉप्स में, और जो क्रॉप यानी कि जो फार्मर है वो खुद के लिए ना रख के डोमेस्टिक एरियाज में एंड अक्रॉस द ग्लोब जब उसे सेल करे तो उसे हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। अभी कौन सी कैश क्रॉप्स होती हैं? टोबैको होता है, शुगर केन यानी गन्ना होता है, कॉटन यानी रुई होती है। तो ये होती है मेन क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, एंड किस टाइप की क्रॉप्स यहाँ के लोग ग्रो करते हैं। मेजर एक्टिविटी जो कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग है वो आपको क्लियर होगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होती है जिसको कहते हैं शीप रेयरिंग। शीप रेयरिंग मतलब क्या? द पीपल ऑफ द वेल्स लुक आफ्टर द शीप, दे टेक केयर ऑफ द शीप एंड इन रिटर्न शीप के जो बाल होते हैं बड़े बड़े जो बाल होते हैं उससे बनती है वूल, और इस वूल से बनती है वुलन कपड़े या जो वूल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही वूल काम आती है। सो दैट्स हाउ द पीपल ऑफ वेल्स टेक बेनिफिट फ्रॉम शीप, दे लुक आफ्टर द शीप एंड इन रिटर्न द शीप प्रोवाइड्स देम विद इट्स हेयर, जो हेयर वुलन कपड़ों को बनाने में काम आती है। अब यहाँ पे की एक शीप है, एक शीप की स्पीशीज है जो बहुत फेमस है और जिसके जो बाल होते हैं उससे बहुत गर्म वुलन कपड़े बनते हैं, और इस शीप की स्पीशी का नाम है मेरीनो शीप। तो मेरीनो शीप आपको याद रखना पड़ेगा कि वेल्स में एक पर्टिकुलर टाइप की शीप होती है जिसको कहते हैं मेरीनो शीप, दैट इज वेरी पॉपुलर, और इनसे जो वूल बनती है वो बहुत वार्म होती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो सेकेंड अनदर ऑक्यूपेशन है दैट इज डेयरी फार्मिंग। ये बहुत मिलता जुलता है नहीं? हमने देखा था प्रीवियस में भी कैटल रेयरिंग होती है और डेयरी फार्मिंग होती है। यहाँ पे भी कैटल रेयरिंग होती है, यहाँ पे कैटल रेयरिंग के अंदर शीप रेयरिंग एक पर्टिकुलर टाइप की रेयरिंग होती है, शीप रेयरिंग, यहाँ पे भी डेयरी फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे जो कैटल होते हैं दे आर लुक आफ्टर इन द वार्मर एंड वेटर रीजन, यानी कि वेल्स के जो बहुत गर्म जगह होती है और जहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है ऐसे टाइम पे ऐसी जगहों पे कैटल लोग पालते हैं, इन्हीं जगहों पे जहाँ पे क्या होता है वेदर जो बहुत वार्म होता है 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है और बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है, तो वहाँ पे लोग कैटल को रेयर करते हैं, उनकी केयर करते हैं इन जगहों पे। एंड जैसे कि मैंने कहा था डेयरी फार्मिंग क्या मतलब मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट सेल करना, तो जो मिल्क से है वो ये लोग बटर बनाते हैं, ये लोग चीज़ बनाते हैं और भी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड दे सेल इट फॉर एंड दे सप्लाई इट इन द डोमेस्टिक रीजन एंड दे एक्सपोर्ट दीज मिल्क प्रोडक्ट्स एज वेल। साउथ अफ्रीका की जो चीज़ होती है वो बहुत फेमस भी होती है, इनफैक्ट वहाँ का बटर भी बहुत फेमस होता है बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट डेयरी फार्मिंग अगर वर्ल्ड की कहीं है तो वन ऑफ इट इज साउथ अफ्रीका। तो यहाँ की जो बटर और चीज यानी कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ के लोग इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी दूसरी कंट्रीज तक भेजते हैं यहाँ के मिल्क प्रोडक्ट्स। तो आई होप यहाँ के लोग जो करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन होती है, क्या क्रॉप्स होती हैं, क्या क्रॉप्स उगाते हैं वो लोग, वो सब क्लियर होगा। अब वेल्स में होते हैं थोड़े मिनरल्स। मिनरल्स हमने पढ़ा था पुराने चैप्टर में, मिनरल्स क्या होते हैं एकदम जल्दी से अपने आप को आंसर करो, इट इज अ सेल्फ क्वेश्चन टू यू, मिनरल्स क्या होता है, जस्ट एनालाइज योर नॉलेज। मिनरल्स क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो मिनरल्स क्या होते हैं? दैट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एंड कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन भी होते हैं। तो ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और थोड़े केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल्स। अब ऐसे ही मिनरल्स यहाँ पे बेल्ट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल और आयरन के मिनरल्स जहाँ पे थे, यानी कि कोल, कोयले और आयरन की, लोहे की जहाँ जहाँ भी खदानें थी यानी कि जहाँ जहाँ भी माइंस थी उसके आसपास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो गई। अब यहाँ पे एक और मेजर ऑक्यूपेशन है दैट इज रिलेटेड टू दीज मिनरल्स, और वो मेजर ऑक्यूपेशन है गोल्ड एंड डायमंड की माइनिंग, यानी सोने और हीरे की माइनिंग। बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स में से इन जो मिनरल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के बहुत बड़े ये मेजर ऑक्यूपेशन है और बहुत बड़ी बड़ी माइंस होती हैं। मैंने आपको
को कहा था जोहान्सबर्ग और किम्बर्ली को याद रखने के लिए जब मैं मैप एक्सप्लेन कर रही थी, तो उनका यूज अब आता है क्योंकि तब मैंने कहा था हम आगे पढ़ेंगे, इनको बस याद रख लो कि दो इम्पोर्टेंट सिटीज जो वर्ल्ड में है वो है जोहान्सबर्ग एंड किम्बर्ले। तो जोहान्सबर्ग को कहते हैं पूरे विश्व की गोल्ड कैपिटल, यहाँ पे इतनी गोल्ड माइनिंग होती है, यहाँ पे इतना गोल्ड, इतने सारे गोल्ड माइंस हैं यहाँ पे, जो गोल्ड माइनिंग होती है इतनी ज्यादा होती है, इतने सारे यहाँ पे सोने की खदानें हैं कि यह इस जगह को एक्चुअली कहते हैं गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और किम्बर्ली की अगर मैं बात करूँ तो किम्बर्ली में जो डायमंड की माइंस होती है यानी कि हीरो की माइंस, वो बहुत फेमस है। और अगर ये क्वेश्चंस यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स में एक एक मार्क के लिए आते हैं या दो मार्क के लिए भी आ सकते हैं कि वेल्थ की मेजर ऑक्यूपेशन क्या है और कौन सी सिटी में कौन सी माइनिंग होती है, तो आपको लिख के आना है मेजर ऑक्यूपेशन गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग होती है। कौन सी सिटी में, तो गोल्ड माइनिंग होती है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग को गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, एंड किम्बर्ली में होती है डायमंड की माइनिंग यानी कि यहाँ से डायमंड्स मिलते हैं, यहाँ की जो रॉक्स होती है वहां से डायमंड होते हैं, उन रॉक्स में वहां से डायमंड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो किम्बर्ली की डायमंड माइंस फेमस है और जोहान्सबर्ग की गोल्ड माइंस फेमस है। इसके अलावा ये जो मिनरल रिच एरिया है यानी कि ये जो पूरा वेल्ट का एरिया है और जिस भी एरिया में मिनरल्स है, ये मिनरल्स वाली जगह आर वेल डेवलप्ड विद ट्रांसपोर्ट यानी कि यहाँ पे रोड्स हैं, यहाँ पे रेलवेज हैं, यहाँ पे एयरवेज भी है, यानी कि जो जितने भी मिनरल्स हैं ये बहुत इजीली एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। इनफैक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस रीजन, दिस एरिया हैज अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अब तक हमने प्रेरीज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, हमने वेल्थ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ का फ्लोरा फौना कैसा होता है, यहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी मेजर ऑक्यूपेशंस करते हैं, इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ा ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। पर ग्रासलैंड्स दो टाइप के जो होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो यू कैन ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू यू नो सॉल्व ऑल दोस क्वेरीज। एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अन अकेडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस के फीचर्स। जी हाँ, अगर अन अकेडमी के जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप रियल टाइम में इंटरैक्ट कर सकते हो एजुकेटर से, आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो उनसे, जैसे कि ये वीडियो में, तो ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही अगर आप फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हो तो आप इन क्लासेस में एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, एंड एज द नेम सजेस्ट दी क्लासेस बिल्कुल फ्री है, तो आपकी फ्री में पढ़ाई हो रही है, आप फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हो, यू गेट रियल टाइम इंटरेक्शन विद द एजुकेटर्स आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप उन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, एक लाइव पोल ऑप्शंस मिलेंगे यानी कि एजुकेटर एक क्वेश्चन दे देगा एंड थोड़े ऑप्शन देगा एंड आपको उन ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो चूज करना है। इट्स लाइक केबीसी, द ओनली डिफरेंस बीइंग यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड आपको आंसर करना है। एंड वन मोर फीचर, आप ये भी देख सकते हैं कि आपके साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स ये सेशन ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो ये आंसर्स कितना सही और कितना गलत दे रहे हैं। देयर इज अ पोल लीडर बोर्ड विच हेल्प्स यू कम्पीट विद योर फ्रेंड्स। तो ये तो थे फीचर्स अन अकेडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस के। अब हम बात करेंगे अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स के। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो फर्स्ट, और जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एडवांटेज है आज की लर्निंग में, दैट इज यू गेट टू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। आप किसी भी टाइम पे अन अकेडमी के वीडियोस देख सकते हैं और आप अपने घर से लाइव क्लासेस में अटेंड कर सकते हैं। यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव टेस्ट सीरीज, आप एकदम जैसे क्लास में टेस्ट देते थे एकदम वही फील आएगी, लाइव होंगे ये टेस्ट, आप प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, आपको स्टडी मटीरियल मिलेगा, प्लस यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, आपको सारी कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, देयर विल बी मेंटर्स, विल बी
गिविंग यू गाइडेंस कि कैसे पढ़ना है, कैसे आप पढ़ सकते हो. स्टडी मटेरियल अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करेगा एंड द एजुकेटर्स विल एग्जॉस्टिवली कवर आपका पूरा कोर्स, आपका पूरा सिलेबस एंड यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, यानी कि आप लाइव एजुकेटर से अपने सारे अकेडमिक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. मैं तो बेनिफिट्स बोलते बोलते थक चुकी हूँ, इतने सारे बेनिफिट्स हैं अन अकेडमी के और आपको ये सारे बेनिफिट्स अवेल करने ही चाहिए बिकॉज ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आप मिस कर ही नहीं सकते हैं. एंड आपको अगर ये सब्सक्रिप्शन फीचर्स लेने हैं, इफ यू यू नो वांट टू यू नो टेक बेनिफिट्स ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन फीचर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अन अकेडमी के ऐप को जो लर्नर्स ऐप है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा. जो प्राइसेस होते हैं वो आपकी स्क्रीन पे है. 24 मंथ के पैकेजेस हैं, 18 मंथ के पैकेजेस हैं, 15 मंथ के पैकेजेस हैं, 12 मंथ के हैं, 6 मंथ के हैं. आपको जो टाइम पीरियड कन्वीनियंट हो आप वो पैकेज ले सकते हैं. प्राइस सारे लिखे हुए हैं. प्लस अगर आप स्क्रीन के इस साइड देखेंगे तो आपको दिखेंगे वही प्राइस 10% डिस्काउंट के बाद. तो ये 10% डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, तो मैंने स्टार्ट में भी कहा था, इफ यू यूज माई कोड PJAIN10 तो और आप ये कोड डालते हैं अन अकेडमी ऐप पे, तो आपको हर कोर्स पे जो भी कोर्स आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उस पे आपको सीधे सीधे 10% ऑफ मिलेगा. तो ये थे सब्सक्रिप्शन प्राइस. अब एक आइकॉनिक फीचर भी होता है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यानी कि ये तो अभी मैंने बात की नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, थोड़े से जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, है ना. तो अब आपको वो सब्सक्रिप्शन भी लेना है तो उसमें थोड़े से बेनिफिट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं. वहाँ पे आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी, वहाँ पे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे, पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट होगा, रेगुलर ओपन आवर्स होंगे पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे वो अपने बच्चे के सारा कोर्स जो है सब कुछ, जो जितने भी पेरेंट्स को कंसर्न्स होते हैं, जितनी भी उनकी टेंशन्स होती है एकेडमिक रिलेटेड, वो सब वो अन अकेडमी के एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं. वीकली रिपोर्ट्स मिलेगी, जैसा मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि पूरे वीक में आपकी क्या प्रोग्रेस है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा. स्टडी प्लानर भी आपको मिलेगा कि कैसे पूरे महीने में, पूरे वीक में आपको कौन कौन से कोर्स कवर करने हैं, आपको यू नो कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो किस टाइम तक कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, ये सब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा. तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं ये थोड़े से नॉर्मल सब्सक्रिप्शन प्लान से थोड़े से ज़्यादा हैं. तो आप ये वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और आपको इनफैक्ट लेना चाहिए, क्योंकि एक बार आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे ना तो आपको एक्चुअली अपने जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे. एक वीक के अंदर अंदर आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो एग्जाम के मार्क्स हैं, आपके बच्चों के जो एग्जाम के मार्क्स हैं, वो सब आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे. और ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइस. अगेन देयर इज 24 मंथ पैकेज, देयर इज 18 मंथ पैकेज, 15 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, उनके ओरिजिनल प्राइसेस और 10% डिस्काउंट के बाद जो प्राइसेस हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे है. और आपको क्या करना है, आपको यूज करना है मेरा कोड, दैट इज PJAIN10. जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे और किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी क्लास के सब्जेक्ट पे कोड यूज करोगे, आपको सीधा सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. अब हमने इस चैप्टर में सब कुछ कवर कर लिया, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. आपको मैंने अन अकेडमी के सारे बेनिफिट्स भी बता दिए. आपको जो करना है वो सिर्फ ये करना है कि आपको अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है. यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस. प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पैकेज आपको लेना है वो पैकेज ले सकते हैं. एंड together we and you can crack any of the exams. So if you want to ace your exams then enroll to an academy. So let's crack it. And before ending this video, I'll just like to end this video by saying please 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 like, share and subscribe to the an academy channel. Like this video, aapke jitne friends hain, classmates hain, unko ye video share karo, because sharing is caring. Unki bhi help ho jayegi. Plus अन अकेडमी के चैनल पे सब्सक्राइब करो, नहीं करो, नहीं किया है तो अभी के अभी करो. एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, बिकॉज व्हेन यू हिट द बेल आइकन तो अन अकेडमी के इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है, जितनी भी अपडेट्स हैं, दे विल रीच आउट टू यू द फास्टेस्ट.
So stay updated, subscribe to our channel, like this video, share this video. And that was all from my end. Thank you so much for staying tuned. Thank you so much for watching this entire video. Thank you so much.